सो हेलो गाइस, दिस इज विपिन सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ द राइटर्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं इस कैम का जिसका नाम है इंस्टा 360X3। सो गाइस, दिस इज माय नेक्स्ट गेयर जो कि मेरे लिस्ट में जुड़ने वाला है और इसको आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बता दूं कि गाइस, इसको मैं खोल चुका हूं सिर्फ चेक करने के पर्सपेक्टिव से कि बार देख लो सब सही तो है, इसलिए वो जो प्लास्टिक इसके ऊपर होता है वो ऑलरेडी निकला हुआ है। सो मैं वो चेक कर चुका हूं, सब कुछ ओके है। बट क्या है कि आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, दैट्स द रीजन मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, देखते हैं कि जब आप एक इंस्टा 360X3 परचेस करते हो न्यू ब्रांडेड, तो आपको क्या क्या इस बॉक्स में मिलता है। तो गाइस, पहले मैं बता दूं, इस बॉक्स के फर्स्ट साइड में इंस्टा 360X3 का पूरा यहाँ पे फोटोस है अच्छा सा। एंड गाइस, ये साइड कुछ फीचर्स बताए गए हैं जिसमें सबसे फर्स्ट है कि आप जब सो इंस्टा 360 मोड में कैप्चर करोगे तो ये 4K नहीं 5.7K में कैप्चर होगा। एंड आप 4K सिंगल लेंस मोड में रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब आप 360 में 5.7K एंड जो सिंगल लेंस, मतलब जो सिर्फ फ्रंट साइड का आप रिकॉर्ड करते हो, जैसे GoPro में सिर्फ फ्रंट होता है, वैसा आप इसमें 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको सिंगल लेंस मोड बोलते हैं। एंड इसमें जो आप फोटोग्राफी करेंगे, इसके लिए आपको इसमें 72 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, प्लस इसमें एक्टिव HDR वीडियो का भी फैसिलिटी है। इसमें लिखा इनविजिबल सेल्फी स्टिक, बट इसमें वो इनविजिबल सेल्फी स्टिक नहीं है, मैंने वो अलग से परचेस किया है, वहाँ पे मैं बताऊँगा वो भी आपको। इसमें गाइस एक अच्छा फीचर है जो है फ्लो स्टेट स्टेबिलाईजेशन, इसके बारे में गाइस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके फीचर्स क्या क्या है। फिलहाल ये अनबॉक्सिंग का वीडियो है, तो क्या क्या बॉक्स में है एंड क्या क्या बॉक्स के अंदर है वो सब मैं बता रहा हूँ। एंड गाइस, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है वो है 360 होराइजन लॉक। होराइजन मीन्स अगर कैमरा आपने ऐसा रखा है तो आप चाहे उसको ऐसा मूव करो ऐसा मूव करो, जो वीडियो है वो ऐसे ही आएगा स्ट्रेट। और हाँ, ये गाइस वाटरप्रूफ तो है लेकिन सिर्फ 10 मीटर तक, दैट मीन्स 33 फीट के नीचे गया तो इसका वाटरप्रूफ है जो गारंटी नहीं होगा। बेस्ट पार्ट इज इसमें गाइस वॉइस कंट्रोल भी आता है, वॉइस कंट्रोल, एंड ये AI पावर्ड एडिटिंग टूल से कनेक्टेड है, मतलब आप इसमें AI के हेल्प लेके एडिटिंग भी कर सकते हो वीडियो को। हाउ कूल इज दैट? आप इसके बाद गाइस यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बॉक्स, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है इंस्टा 360X3, देन आता है चार्ज केबल, देन आता है प्रोटेक्टिव पाउच, देन है लेंस का क्लोथ जो से लेंस को क्लीन करने के लिए होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आता है क्विक स्टार्ट गाइड, मतलब वो लव लेटर हो गया। देन आता है वारंटी कार्ड, इसमें वारंटी कार्ड भी है, दैट्स कूल। एंड आफ्टर दैट इसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, आई लव यू लिखा होगा, लव लेटर ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो गाइस। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इमेजेस दिखे हुए कि आप इंस्टा 360 को कैसे कैसे कौन से तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक सैम्पल के तरीके से आप देख लो, इस तरीके से दिखाया हुआ है, दैट्स इट। तो अब चलते हैं बॉक्स के अंदर, ये था बॉक्स के बाहर का व्यू, अब बॉक्स के अंदर चल के देखते हैं कैसा है। तो इसी के साथ ये मैं कर रहा हूँ इसको ओपन, खुल जा सिम। ओहो भाई साहब, ये देखो क्या है, ऐसा रखा हुआ है, मतलब इसकी जो बनावट है वो ऐसे है कि ये प्रॉपर से फिट बैठा हुआ है। तो गाइस ये है इंस्टा 360X3 और इस तरीके का दिखता है, आप देख लो, ये देखो गाइस दिख रहा है। एंड इसमें X2 और X3 में फर्क ये है कि यहाँ पे राउंड शेप में X2 में था स्क्रीन, ये पूरा फुल स्क्रीन है, मतलब पूरा कंप्लीट ऊपर से लेकर नीचे तक। ये स्पीकर कवर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे पावर है, प्लस यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, तो जो क्यू है वो क्या है मैं आपको बाद में फीचर्स वाली वीडियो में बता दूंगा, अभी से आपको अनबॉक्सिंग करके बता रहा हूँ क्या क्या वो दिखा रहा हूँ। एंड ये साइड अगर आप चेक करोगे तो ये साइड में मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट करने के लिए जगह दिया है, एंड ये आई गेस बैटरी होगा, एक बार खोल के देखते हैं। ओके, बैटरी इसमें डाल के दिया हुआ है, दिस इज द बैटरी, तो मैं वापस से डाल देता हूँ। ये ओके, लॉक करने का सिस्टम है, दो लॉक है इसमें। ओके, सो गाइस ये है इंस्टा 360X3 जो कि वापस मैं यहीं पे रख देता हूँ ऐसे, मतलब पैकिंग देखो गाइस कितना अच्छा किया है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। एंड अब इसके बाद में आप एक बॉक्स है साइड में इधर, ये बॉक्स को निकाल के चेक करते हैं क्या है। तो बॉक्स में कुछ फोटोज दिए हुए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली, बट ठीक है, और कुछ कोड है। एंड बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मिल जाता है चार्जर, ये चार्जर है, सॉरी गिर गया। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है USB का चार्जर, और जो कि काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल जो GoPro का बैटरी का होता है वो इतना होता है, ये लेकिन उसका डबल है ऑलमोस्ट। तो ये हो गया चार्जर केबल, देन ये पाउच है, आप जब जैसे कि बाइक पर अगर आप लगाते हो इंस्टा 360X3
उसको ऐसा कवर कर सकते हो जिससे लेंस प्रोटेक्टेड रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है ये पाउच, सबसे बेस्ट होता है। जो दूसरा होता है ना, एक हार्ड रबड़ वाला होता है, देखो आप इसके आपको फोटो दिख रहा होगा, ये वो वाला मत लेना कभी भी, उसमें क्या ना लेंस में स्क्रैच लगता है, बट ये सबसे बेस्ट होता है ये पाउच। फिर आता है ये इंस्टा 360 का वो क्लोथ जिससे कि आपको लेंस को क्लीन करना है, ये माइक्रोफोबिक क्लोथ है। एंड इसके बाद में आता है ये एक इंस्टा 360 का आपको ये मिल जाएगा, क्या कहता है, लोगो, आप स्टिकर लगा सकते हो, नॉट लोगो इट्स अ स्टिकर, हेलमेट पे लगा दो, बाइक पे लगा दो, जहाँ आपको लगाना लगा दो, ये सबसे बेस्ट है। एंड फिर उसके बाद में आपको मिल जाता है कुछ लव लेटर्स इंस्टा 360 की तरफ से, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में है ना, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। और वारंटी का इसमें पेपर तो कोई दिखा नहीं मुझे, बाकी इसमें डायग्राम के साथ बताया कि आपको कैसे यूज़ करना है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका जो बॉक्स है गाइस, आप बॉक्स का देखोगे तो ये तो इसके अंदर यहाँ पे था, मैंने निकाल दिया, बट ये फिक्स है, ये आप देखोगे तो फिक्स है, जिसमें ये प्रॉपरली X3 जो है वो फिट हो जाता है यहाँ पे ऐसे। एंड इसका जो कवर है, इस कवर में भी देखो कैसा दिया है फोल्डिंग के साथ, ताकि ये जब पैक रहे प्रॉपरली, हिले नहीं है, इसके यहाँ पे स्क्रैच ना लगे, तो प्रॉपर तरीके से पैकिंग की गई है। तो गाइस इसके अलावा मैंने और भी कुछ चीज़ मंगाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अलग से मैंने मंगाया है, टेम्पर्ड ग्लास जो लेंस के ऊपर होता है, जो कि इसमें मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, आप देखोगे जो रियल लेंस है उससे ये देखो थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ये टेम्पर्ड ग्लास से प्रोटेक्टेड है, बिकॉज ये जो होता है ना गाइस बड़ा डेलिकेट होता है, बहुत ईजीली ये ब्रेकेबल होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, अगर ये गिरा कहीं, स्क्रैच आ गया लेंस में या स्क्रैच, या तो फिर लेंस अगर टूट गया तो ये वीडियो, ये पूरा जो कैम है ये ख़त्म है, इसका फिर कोई यूज़ नहीं कर सकते हो आप। इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है दोनों साइड में, क्योंकि इसमें मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया है। टेम्पर्ड ग्लास जो है वो थोड़ा, उसका क्या कॉस्ट है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। प्लस इसके अलावा मैंने और एक चीज़ ऑर्डर करवाया है, वो है ये इनविजिबल स्टिक। ओके, ये इनविजिबल स्टिक है, ये देख लो। ओके, ऐसा है। तो गाइस ये है इनविजिबल स्टिक, जो कि काफ़ी बड़ा है, मेरी वीडियो में भी शायद नहीं आ रहा होगा पूरा। ये जो इनविजिबल स्टिक है गाइस, इतना बर्थ नहीं है, इसमें आप देख सकते हो कि ये टूट चुका है, ये देख रहे हैं आपको, ये देखो ये टूटा हुआ है ये बेसिकली। तो ये रहा वो इनविजिबल स्टिक जो इसमें लगेगा, इस तरीके से ऐसा लगेगा इसमें। तो गाइस ये जो अभी कैम है गेयर्स में ऐड हो चुका है, एंड आपको आने वाले जो वीडियोस होंगे, सीरीज होंगे, उसमें आपको 360 के कुछ फुटेज भी देखने मिलेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे प्राइसिंग कितना पड़ा है। मुझे गाइस इंस्टा 360 X3 पड़ा है 43,500 में। एक स्कैंडिस्क मेमोरी कार्ड है, हाँ वो मैंने 4 मंगाया था, मुझे 4 मेमोरी कार्ड पड़ेगा था अराउंड 5,000 के आसपास। और गाइस जो इंस्टा 360 X3 का जो लेंस कार्ड है वो आता है 1500 में, एंड इसके अलावा जो टेम्पर्ड ग्लास होता है वो आता है 350 में। टेम्पर्ड ग्लास मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये है टेम्पर्ड ग्लास जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, मैंने लगा दिया इसमें। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये लेंस गार्ड है, ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, सॉरी मैंने टेम्पर्ड ग्लास पहले बोल दिया था, ये गाइस बेसिकली लेंस गार्ड है, और ये लेंस के ऊपर एक परक होती है जिससे लेंस जो है बचा रहता है, एंड ये टेम्पर्ड ग्लास है। और हाँ, ये जो स्टिक है गाइस, ये स्टिक मुझे पड़ गया तकरीबन 1500 में, बट ये ब्रांडेड ओरिजिनल इंस्टा 360 का स्टिक नहीं है, नॉर्मल चाइना का इंस्टा 360 का स्टिक है, वो भी मैंने मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने ऑर्डर करवाया था तो घर पे आया था, एंड बाद में मुझे पता चला कि ओरिजिनल नहीं है, बट क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे ही बाहर निकलना था तो मैं इसे चेक नहीं कर पाया अच्छे से। तो एनी वेज ये 1500 का, तो गाइस ये जो टोटल जो इस गेयर का प्राइस है इस पूरे कैमरा के सेटअप का, वो मेरे को पड़ेगा 51,850 में, और ये अब मेरा किट में ऐड हो चुका है, तो आने वाले कुछ ब्लॉग में आपको ये चीज़ ज़रूर देखने मिलेगी। सुना है कि थोड़ा क्रिटिकल है इसको एडिट करना, बट लेट्स सी, देखते हैं, स्टार्टिंग में तो कुछ भी चीज़ ईजी नहीं होता। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज के वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो था सिर्फ इंस्टा 360 X3 जो मेरा नेक्स्ट गियर जो मेरे ब्लॉगिंग किट में ऐड होने वाला है वो ये है, एंड आगे चल के इसके वीडियोस भी आएंगे। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल से। एंड आई होप आपको मेरा लद्दाख का सीरीज पसंद आया होगा। अब तक गाइस मैंने लद्दाख सीरीज एंड राजस्थान सीरीज प्लस गोवा सीरीज भी किया है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी जाके चेकआउट कर लो, वहाँ पे जाने का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।